तो क्या हाल चाल दोस्तों, मेरा नाम ईशानू। आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि आप अगर स्टूडेंट हैं तो आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन में कैसे ज्वाइन करेंगे। तो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं और अगर आप ज्वाइन करना सीखना चाहते हैं कि कैसे ज्वाइन किया जाता है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। बट दोस्तों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हुए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, बगल में एक बेल आइकन आएगा उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। तो माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में ज्वाइन करने के लिए सबसे पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन में अपना अकाउंट बना लेना है। अगर आपको नहीं पता कि अकाउंट कैसे बनाया जाता है, मैंने एक वीडियो बना के रखा है, लिंक मिल जाएगा आपको डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से देख करके सीख सकते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स में अकाउंट कैसे बनाया जाता है। उसके बाद दोस्तों, आपके पास एक मैसेज आया होगा आपके टीचर की ओर से, इस तरह से कुछ आप देख सकते हैं। मेरे पास व्हाट्सएप में आता है, तो आपके पास व्हाट्सएप में आया होगा या फिर मैसेज में आया होगा, जिस तरह से भी आया होगा आप अपना देख लीजिएगा। तो इस मैसेज पे आपको क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे बोल रहा है माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन में ज्वाइन करने के लिए, इस पे हम क्लिक करेंगे। इसके बाद आप देख सकते हैं ये जो ज्वाइन हो जाएगा इस तरह से कुछ, तो आप देख सकते हैं आपको यहाँ पे वेट करना है थोड़ा टाइम के लिए। सो दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा क्लास जो ज्वाइन हो गया है। तो दोस्तों, अगर आप यहाँ पे अपना फेस दिखाना चाहते हैं, कैमरा को ऑन करना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है देख सकते हैं, अगर आपको वीडियो दिखाना है, शो करना है अपना फेस, तो आप देख सकते हैं इस पे क्लिक करके अपना वीडियो शो कर सकते हैं। अगर आपको अपना वॉइस मतलब टीचर के साथ शेयर करना है, तो आप देख सकते हैं इस पे आपको क्लिक करना है। और दोस्तों, अगर आप यहाँ पे टीचर के तरफ से आए हुए वॉइस को नहीं सुनना चाहते हैं, इस पे क्लिक करके आप जो यहाँ पे ऑडियो ऑफ कर सकते हैं, देख सकते हैं इस तरह से आपका ऑडियो ऑफ हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक थ्री डॉट मिलेगा, इस पे अगर आप क्लिक करते हैं, तो इसके बाद यहाँ पे आपके पास एक स्क्रीन शेयर करने का ऑप्शन आता है। तो अभी यहाँ पे टीचर की तरफ से बंद किया गया है, इसलिए यहाँ पे ऑप्शन नहीं आ रहा है। सो दोस्तों, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपको पता चल गया होगा कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स एप्लीकेशन में कैसे ज्वाइन करते हैं टीचर के साथ में, और कैसे वीडियो कॉल वगैरह करते हैं, सारा कुछ आप लोग को यहाँ पे बता दिए सेटिंग। तो अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों व्हाट्सएप फेसबुक ग्रुप में, और चैनल पर नए हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बगल में एक बेल आइकन आता है उसे भी प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, अगर आप लोग कुछ भी पूछना, कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है, नीचे में कमेंट कर सकते हैं। मिलता है आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में।